जीएसटी में नई नोटिफिकेशन आई है नंबर 7/2022, जिसमें एक रिलीफ दिया गया है, पर एक्चुअली ये रिलीफ है या नहीं ये भी समझेंगे। रिलीफ क्या है जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स की जीएसटी, मैं आपको ले आई हूँ पहले studybuddy.com पे, क्योंकि यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव है। बहुत सारे पर्सन कोर्सेज में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो यहाँ जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन और बहुत सारे कॉम्बो अवेलेबल है। जिनके लिए कोर्स बेनिफिशियल नहीं है, दे कैन स्किप दिस इन्फो, और जिनके लिए बेनिफिशियल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हैं सभी कोर्सेज के, या फिर studybuddy.com को विजिट कर लीजिए। डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इसकी लेट फी गवर्नमेंट ने वेव कर दी है। लास्ट डेट तो इसकी जा चुकी है, 30 अप्रैल थी लास्ट डेट। उसके बाद जो लेट फी लगनी है इस पर 1 मई 2022 to 30 जून तक के लिए वेव कर दिया, यानी इस पीरियड में 30 जून तक भी आप इसे अब भर सकते हो विदाउट एनी लेट फी। अब अगर बात करें तो इन्होंने वेवर दिया है 1 मई से, नोटिफिकेशन आ रही है 26 मई को। हुआ क्या होगा कि क्योंकि GST 4 की जो डेट है वो थी 30 अप्रैल, जो पर्सन इसे लेट कर चुके होंगे, जिनकी किसी भी रीजन से GST 4 फाइलिंग लेट हो गई होगी कंपोजिट टैक्सपेयर्स की, उन्होंने 2-4 दिन तो वेट किया होगा कि हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए। सब रिप्रेजेंटेशन तो भेज ही रहे थे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुछ पर्सन ने ये GST 4 विद लेट फी सबमिट कर दी। नोटिफिकेशन कब आ रही है? 26 मई को, ठीक है। कब से रिलीफ दिया है? 1 मई 2022 से लेकर 30 जून के लिए। अब दिक्कत इन पर्सन के लिए होगी जिन्होंने विद लेट फी ये GST 4 फाइल कर दी थी। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं करा है नोटिफिकेशन में कि कोई जो ऑलरेडी लेट फी पे कर दिया जिन पर्सन ने, क्या उनकी लेट फी वापस कर दी जाएगी, ऐसा नहीं लिखा। दैट मीन्स उनका हो गया है नुकसान, लेट फी उनको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपकी GST 4 अभी तक पेंडिंग थी तो अब आप इस नोटिफिकेशन का फायदा उठा सकते हैं कि 30 जून तक उसे विदाउट एनी लेट फी भर सकते हैं। अब वेवर दे रहे 1 मई से, नोटिफिकेशन ला रहे 26 दिन के बाद, तो ये एक तरह से आपके लिए धोखा हो गया है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर पर्सन्स ने भर ली होगी अपनी GST 4। अगर लेट लेट भी करी होगी तो अभी तक भर ली होगी, कुछ ही केसेस में पेंडिंग पड़ी होगी। तो ये थी आपके लिए नोटिफिकेशन, अब जो भी है आपके सामने है। और ये नोटिफिकेशन अभी अगर आप taxinformation.cbic.gov.in पे देखेंगे तो नंबर 6 के बाद अभी 7 यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, जल्दी ही हो जाएगी। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सीए गुरुजी के नाम से सर्च करके वहां पे ये नोटिफिकेशन मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ले लीजिए अगर अभी भी आपकी GST 4 पेंडिंग पड़ी थी। अब एक क्वेरी सॉर्ट आउट करना चाहूंगी कंपोजिट टैक्सपेयर्स की। मेरे पास बार बार क्वेरी आ रही है कि मैम नेगेटिव लाइबिलिटी के बारे में बता दो, नेगेटिव लाइबिलिटी के बारे में बता दो। तो अब जीएसटी पोर्टल पे आओगे ना, यहाँ पे एक एडवाइजरी पड़ी है कंपोजिट टैक्सपेयर्स के लिए, इसको पढ़ लो आप, ठीक है। इसमें ना एक दिक्कत आ रही थी, रीजन क्या है नेगेटिव लाइबिलिटी का ये भी बता रखा है, अब टैक्सपेयर्स ने क्या गलत किया वो बता रखा है, और करना क्या है ये भी बता रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, वो वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया जिसमें मैंने प्रैक्टिकली बता रखा है। तो सिंपल सा ये लॉजिक है कि GST 4 में ना एक टेबल है 6, उस टेबल 6 में भी आपको अपनी लाइबिलिटी दिखानी होती है। वैसे तो उसमें जो CMP 08 से अपना आपने पेमेंट करी होती है ना, वो टेबल 5 में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है, बट टेबल 6 में ना आपको अपनी लाइबिलिटी का टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप देना होता है और वहां भी दिखाना होता है। कुछ पर्सन ने क्या करा, GST 4 के 6 नंबर टेबल में वो वैल्यू नहीं दिखाई, सिस्टम ने माना कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो 0 है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो CMP से पे कर रखा था और अगर आपने लाइबिलिटी दिखाई नहीं तो उसको नेट कर दिया, नेगेटिव में दिखा दिया कि आपकी कोई लाइबिलिटी बनती नहीं थी, फिर भी आपने उसे पे कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये अमाउंट आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे किया क्या इन्होंने, फॉर कन्वीनियंस ऑफ टैक्सपेयर्स अमाउंट अवेलेबल इन नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट हैव बीन डेबिटेड फॉर ऑल द टैक्सपेयर्स। इट हैज बीन नोटिस दैट सम टैक्सपेयर्स हैज यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल इन नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट, कुछ ने तो उस अमाउंट को यूटिलाइज भी कर लिया अपनी फ्यूचर की लाइबिलिटीज भरने के लिए। इन सच केस द अमाउंट यूटिलाइज आउट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट हैज बीन डेबिटेड इन द कैश लेजर, दो सच लाइबिलिटी शुड हैव बीन पेड बाय डिपॉजिटिंग द चालान, बट इन सम केसेस द अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द टैक्सपेयर। द टैक्सपेयर हु हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट इन कैश लेजर, द डेबिटेड अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड, वेयर इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड थ्रू चालान, द बैलेंस इन कैश लेजर बिकम नेगेटिव। कुछ ने अगर पे कर दिया था चालान से तो उनका तो एडजस्ट हो गया, जिसने नहीं किया उनका अभी भी कैश लेजर में बैलेंस होगा नेगेटिव। इन सच केसेस द टैक्सपेयर्स आर एडवाइज्ड टू डिपॉजिट द पास्ट लाइबिलिटी थ्रू चालान ऑफ इक्वल अमाउंट अर्जेंटली।
ठीक है, तो ये एडवाइजरी आपके लिए दे रखी है यहाँ पे 30 अप्रैल की है, आप पोर्टल पे आके न्यूज एंड अपडेट्स में इसको देख सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो ये थी आपके लिए न्यूज। अभी जो यहाँ पर डेट्स आती हैं इसमें भी कोई अपडेशन नहीं करी है कि लेट फी वेव कर दिया, यहाँ पे कोई न्यूज नहीं आ रही है, बट आपको फिर नोटिफिकेशन ही रेफर करनी है नंबर 7, ठीक है, GSF 4 की लेट फी वेव कर दी है 1 मई से 30 जून 2022। अब जानिए हमारे कोर्सेज के बारे में। तो हमारी जो वेबसाइट है हमने बहुत ही सिंपल रखी है, होम पेज पे भी कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा या फिर आप सिंपली कोर्सेज में आ जाइए। तो हमारे जो मेन कोर्सेज हैं, जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है दिस वन, इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स है जिसमें ITR 1, 2, 3, 4 साथ ही 26Q, 24Q फाइल करना बता रखा है, टैन अप्लाई कैसे होता है, पैन अप्लाई कैसे होता है, बहुत सारी बेसिक चीजें, टैक्स कैसे जमा होता है, बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें हमने कवर कर रखी है। आप अच्छे से ITR 1, 2, 3, 4 फाइल करना सीख जाएंगे, चाहे आप अपनी करिए या अपने क्लाइंट्स की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पूरा अपडेटेड कोर्स है। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, बहुत से पर्सन बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना इतना सारा टाइम कंज्यूम करते हैं, क्लाइंट डाटा दे गया बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट बनाई 10 दिन में क्लाइंट ने फिर से डाटा चेंज कर दिया, आप फिर से 10 दिन लगाओगे। तो आपके यही टाइम सेव हो सके हमने ये बहुत ही छोटा सा ऑटोमेशन का कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है, जिसमें आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। चाहे आप डेली बैलेंस शीट बना लो, डेली MIS रिपोर्ट्स बना लो, बैलेंस शीट किसी भी फॉर्मेट में बना लो, चाहे कंपनी की है या प्रोप्राइटर की है, किसी भी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना लो, क्विकली 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। एंड इवन ओपनिंग क्लोजिंग को मिलाना इज अ टास्क, वो सारा काम आपका ऑटोमेशन से पॉसिबल हो सकता है, और एक्सेल से ऑटोमेशन है, कोई ऐसा भी नहीं कोई टूल यूज किया है। तो ये बहुत पॉपुलर कोर्स है हमारा, सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुछ पर्सन सभी कोर्स करना चाहते हैं हमारे, तो तीनों का भी कॉम्बो अवेलेबल है, इनकम टैक्स का, ऑटोमेशन का, जीएसटी एंड ऑटोमेशन, जीएसटी इनकम टैक्स, तो सारी कॉम्बो भी अवेलेबल कराए हैं। कॉम्बो में थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है और वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है, तो भरपूर बेनिफिट लीजिए हमारे कोर्सेज का। साथ ही हम मैगजीन्स भी अवेलेबल करा दें एवरी मंथ, तो मैगजीन सेक्शन में आपको मिल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।